हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मॉमीज एंड डैडीज के लिए है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक क्विक रिव्यू अबाउट बायोटिक बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। तो मुझे इस बॉडी वॉश का जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगा था वो ये था कि इट इज़ मेड अप विद एप्रिकॉट्स। तो एप्रिकॉट्स को हिंदी में खुबानी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा येलो कलर का जूसी सा फ्रूट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एप्रिकॉट फ्रूट की पिक्चर भी दिखा रही हूँ। मुझे ये फ्रूट खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो अब बात करते हैं इस बायो एप्रिकॉट रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश की यूएसपीज की, यानी कि इस पर क्या कुछ क्लेम किया गया है। तो इस पर जो फर्स्ट चीज़ मैंशनड है वो ये है कि ये 100% सोप फ्री प्रोडक्ट है। तो जो नेक्स्ट क्लेम इस प्रोडक्ट पर किया गया है वो ये है कि इट इज़ मेड विद एडवांस आयुर्वेदा। तो ये काइंड ऑफ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो ये एक जेल बेस्ड क्लेंजर है। जो नेक्स्ट क्लेम इस पर किया गया है वो ये है कि इट इज़ मेड विद प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स। ये इफ़ेक्टिवली आपकी स्किन से माइक्रोब्स और पल्यूटेंट्स को हटाता है और आपकी स्किन को रिजुविनेटेड रखता है और मॉइस्चराइज्ड रखता है। तो इसका जो 100% सोप फ्री फॉर्मूला है वो बेसिकली आपकी स्किन को क्लीन तो करता है बट उसके साथ साथ उसे हाइड्रेटेड भी रख। तो मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है अमेजोन से। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो इसका प्राइस है ₹149 फॉर 200 ml ऑफ बॉटल और ₹140 फॉर 190 ml ऑफ बॉटल। जो 200 ml की बॉटल है उसमें आपको पंप मिलता है, तो 190 ml की बॉटल में आपको पंप प्रोवाइड नहीं होता है। तो मैं अब आपको बॉटल के बैक साइड का क्लोजर लुक दिखा रही हूँ जहाँ पर हाउ टू यूज़ इंस्ट्रक्शंस मेंशनड है और इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स मेंशनड है। तो हाउ टू यूज़ बहुत सिंपल है। जेंटली मसाज ओवर द वेट बॉडी, लैदर एंड रिंस मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो जब भी आपको बाथ लेना है आप इसको अपनी बॉडी पर मसाज कर सकते हैं जेंटली, उससे लैदर हो जाएगा और आप इसे पानी से रिंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इस पर मेंशनड है कि इट इज़ अ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं खुबानी ऑयल विच इज़ एप्रिकॉट ऑयल, बन हल्दी रूट, रीठा फ्रूट, कूडा सीड्स एंड प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी एज रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट इस पर मेंशनड है कि दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज़ थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी यू नो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ इस प्रोडक्ट में हैं। नेक्स्ट इस पर मेंशन है कि ये ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट है। इट इज़ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी और कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है। नेक्स्ट बायोटिक की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइडेड किया गया है। यहाँ पर मेंशन है कि बायो एप्रिकॉट क्लेंजेस, सॉफ्टन्स एंड ब्रिंग्स आउट द बॉडीज नेचुरल ब्राइटनेस। प्राइस मेंशनड है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और इसकी एक्सपायरी है यूज़ विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये एक जेल बेस्ड क्लेंजर है, इसका कलर ऑरेंज है और जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा लैदर यानी कि फोम प्रोड्यूस होता है जिससे आप इजीली अपने बॉडी को क्लेंज कर सकते। तो अब बात करते हैं क्विकली उन पॉइंट्स के बारे में जो मुझे इस प्रोडक्ट में पसंद आए, एज वेल एज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे इस प्रोडक्ट में क्या बातें अच्छी नहीं लगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट मुझे इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा लगा वो ये है कि ये एक रीजनेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसेंट है, मतलब ये एक बॉडी वॉश है तो ये एक बॉडी वॉश का काम बहुत अच्छे से करता है। इट वर्क्स इफ़ेक्टिवली। तो जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम क्वांटिटी ऑफ बॉडी वॉश यूज़ करने पर बहुत सारा लैदर यानी कि फोम क्रिएट हो जाता है। तो इस बॉडी वॉश से बाथ लेने के बाद मुझे अपनी स्किन काफ़ी यू नो रिफ्रेश्ड लगी, रिजुविनेटेड लगी। मुझे अपनी स्किन में ड्राइनेस नहीं लगी।
तो अब बात करते हैं उन बातों की जो मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छी नहीं लगी। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छी नहीं लगी वो है इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। आई मीन लाइक इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत लोगों को अच्छी लगेगी। बट जब मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे तो उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है जो कि फ्रेग्रेंस रिलेटेड है, बट फिर भी इस प्रोडक्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इस प्रोडक्ट में मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुल्ली डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। मतलब अगर आप इस बॉडी वॉश की इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स मेंशनड है, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके इस बॉडी वॉश को बनाया गया है। बिकॉज़ इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इससे जो लैदर प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेज करूंगी। तो मेरा आंसर है यस, सिंपली बिकॉज इसका जो प्राइस है वो बहुत डिसेंट है और ये प्रोडक्ट जो बॉडी वॉश का काम है उसे बहुत इफ़ेक्टिवली करता है। तो सिंपली इन्हीं रीजंस की वजह से मैं इसे फ्यूचर में भी परचेज़ करूँगी। तो होपफुली आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।